रिजर्वेशन का अमल भी हुआ, लेकिन उसको हम प्रॉपर कोई अच्छी जगह पे प्लेस करना चाह रहे थे जिसमें हमें कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रखा गया था फॉर द टाइम बींग। अनफॉर्चुनेटली वो बदकिस्मती से चोरी हुआ है और उस हवाले से हमने FIR भी कटवाई है, पुलिस को भी इंटीमेट किया है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम चाहते हैं कि अल्लाह करे ये जल्द से जल्द हमारे पास वापस पहुंच जाए और हम इसको शहर की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकें। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इसको इंसिडेंट मैं कहूँगा, और ये जो हिस्टोरिकल घंटा जो चोरी हो चुका है इसकी मैं ये बताऊँ कि ये 125 साल पुराना और 400 किलो वजनी जो घंटा था ये उस वक्त मुझे मिला था जब हम अपना सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिस था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो ऑफिस को लोगों ने जला दिया गया था, लेकिन जब मैं आया मैंने नया ऑफिस जब रेनोवेट करवाया तो वहाँ से मिला था। और हमने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि इसके जो एंटीकनेस है, काफ़ी कारीगर चेक करे थे, फिर फैसलाबाद को मुझे याद है कि एक कारीगर थे जिनसे हमारा फाइनल हुआ था कि इसके ऊपर कोई नया कलर ना हो, इसकी एंटीकनेस, इसकी हिस्टोरिकल कल्चर वैल्यू बरकरार रहे, तो उसको वहाँ से हमने करा था। और जो नया ऑफिस बन रहा था उसमें एक स्पेसिफिक जगह भी रखी थी कि हमने इसको कहाँ पर रखना है, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं कि ये इतना पुराना घंटा जो 1903 का है तो इसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू, एक कल्चरल वैल्यू और ये बल्दिया का असासा और बल्कि पूरे अवाम का, मुल्क का एक असासा इसको कह सकते हैं। देखें इसमें एक तो FIR लॉन्च कर दी गई थी उसी वक्त, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मेरी बात हुई थी, SSP साहब से बात हुई थी, और उसके बावजूद भी रेगुलर बेसिस पे जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। मैं ख़ुद पर्सनली भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर गया, क्योंकि लाजमी सी बात है इसके अंदर ये कोई एक सडन चोरी नहीं है, इट्स अ प्लान रॉबरी कह सकते हैं आप इसको, इट्स अ प्लान क्राइम, क्योंकि इतना बड़ा घंटा इस तरह से नहीं है कि कोई जा रहा है और चोरा है और उसने देखा और उठा के चला गया, तो इसकी पूरी प्लानिंग हुई है और उसमें काफ़ी लोग मुलविस हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे SSP साहब हैं, इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, कि इंशाल्लाह ये जो आवाम का एक एहसासा है वो वापस आएगा। देखिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है, टेकिंग इनटू अकाउंट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस घंटा, तो मैं यही कहूँगा कि हमने इसके अंदर एक एडिशनल फैक्टर आपके चैनल के तवसल से अनाउंस किया है, फिर मैं रिपीट भी करता हूँ कि कोई भी शख्स जो इसकी हमें इतला दे तो एक तो उसकी इतला खुफिया रखी जाएगी और उसको 2 लाख रुपए का खुफिया तरीके से हुकूमत की तरफ से इनाम भी दिलाया जाएगा। ये एक तो एक तरफ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बहुत ज़्यादा है, एक तरफ तो ये असासा है, दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें अगर चोरी होने लग जाएंगी और स्टेट की रेट नहीं रहेगी तो वो मैं समझता हूँ बड़े एक अफसोस की और शर्म की बात होगी हमारे लिए भी, इवन कि इस तरह की चीज़ें चोरी हो रही हैं और चोर नहीं पकड़े जा रहे, तो हमने उसके लिए 2 लाख रुपए का ऐलान भी किया जिसको सिर्फ हमें सिर्फ इतला मिल जाए कि ये लोग इसमें मुलव्वस थे, खुफिया तौर पे इतला और इनाम को भी खुफिया रखा जाएगा।